बेतक बेता है अभी मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ सर? आज हम लोग जो एक टीम अपाचू का तरफ से हम लोग का एक मीटिंग बैठा था, जैसे कि हम लोग जो स्पेशली जो एजुकेशन एजुकेशन का जो रिलेट मैटर में, तो हम लोग अभी टीम कैसे टीम में कैसा काम करेगा, उसका बाद हम लोग चेयरमैन बनाया एजुकेशन का आपका स्कूल का। पहले हम तो बोलते रहते जो हम लोग का जो CBSE का रिजल्ट का बारे में लेके और पाबुम पारे में सब्जेक्ट टीचर जो सब्जेक्ट टीचर का शॉर्टेज का इश्यू को लेके, उसका बाद रिसेंटली यहाँ में हम लोग यहाँ पाबुम पारे में रूरल में घटना भी हुआ, अभी तो सुन रहा है रैगिंग का भी बहुत इश्यूज चल रहा है, उसका बाद कुछ यहाँ में एक इंसिडेंट भी हुआ था, तो ऐसा कुछ कुछ रिलेट में हम लोग अपन सो टीम आज हम लोग एक मीटिंग बैठा, हम लोग चेयरमैन बनाया, तो ये मैटर को हम लोग थोड़ा लेके हम लोग गवर्नमेंट लेवल में बात करेंगे बोलकर ना, तो ये इश्यू के लिए हम आज हम लोग गैदर किया था। सर एक जनता का सवाल आप लोग से करना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है सर, ऐसे होता है कि मीटिंग तो बैठा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, लेकिन रियलिटी में आप लोग तो विजिट करता नहीं है सर, मीटिंग में ही आप लोग मीटिंग करते रहता है, तो इस बार आप लोग क्या करेंगे? आज मीटिंग बैठा है, इस बार आप लोग रियलिटी चेक करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग तो ऐसा बोल के नहीं है कि मीटिंग सिर्फ बैठा है बोल के, अपने का आदमी लोग यूजली हम लोग ऐसा भी नहीं करते, एवरी डे जहाँ जाता मीडिया लेके जाता ऐसा तो करता नहीं। प्रीवियस ईयर भी हम लोग काफी स्कूल में विजिट किया, आपका तारासो से लेके वो आपका मिंग्यो सगाल जितना भी है स्कूल, हम लोग कुछ कुछ अवेयरनेस भी किया, गर्ल्स रेसिडेंशियल में भी किया, ऐसा एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। और पढ़ाई के बारे में तो हम लोग देखो उसको तो ना टीचर को ब्लेम कर सकते हैं ना आपका स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट ब्लेम, दोनों का थोड़ा इसमें इंटरकनेक्टिव जरूर है, एंड इसका लिए हम लोग शॉर्ट आउट करने का हम लोग पहले से है, और आज भी हम लोग ये डिस्कशन किया कि हम लोग अभी से एटलीस्ट एवरी मंथ को आपका जो एक हर स्कूल में हम लोग एक मंथ को जो आपका जो ये में हम लोग अभी से नया सेशन सब शुरू करने का भी हम लोग ये किया, और हम लोग ये अगस्त में हम लोग एक बच्चा लोग को भी ये आपका हम लोग एक कैरियर काउंसलिंग भी रखेगा एक हिल स्टेशन जो पाबुम पारे का जो स्टूडेंट का जो भी 10-12 का जो टॉपर होगा और या स्टेट बोर्ड का वगैरह स्टेट बोर्ड का और कोई भी यहाँ में जो आपका पाबुम पारे से जो भी एक बरेली का अच्छा वाला जो क्वालिफाइंग वाला कहीं में है बोलने से, उसका लिए हम लोग एक रजिस्ट्रेशन प्लस हम लोग एक कैरियर काउंसलिंग हम लोग ये अगस्त मंथ को रखेगा ओके, ये भी आज हम फैसले करेंगे। सर मैंगो जो जगह को लेकर एक सवाल है, जैसे स्कूल में उसमें मैंगो साइड में कुछ कुछ स्कूल जो है अभी एक टीचर भी नहीं है, एक स्टूडेंट तक नहीं है, उनको आप लोग जब विजिट करेगा उन सबको पाया जाएगा तो क्या करेंगे? इसका लिए उसका ऑल मैंगो स्टूडेंट यूनियन लोग भी वो लोग का रिपोर्ट दे चुका है कि शॉर्टेज ऑफ टीचर जहाँ में बच्चा है, तो कभी कभी हम लोग का ये बोलता है कि मतलब कोई कोई स्कूल में बच्चा नहीं होता है, एक दो बच्चा होता है, तो उसमें भी सब्जेक्ट टीचर लाना बहुत तकलीफ भी होता है, तो उसका मैटर में हम DDSC को भी बात किया, और हम लोग का ये एक तारीख को भी DDSC का साथ में हमारा नया जो विधायक है जो आया है हम लोग का सगाली का डेमो का, हम लोग अभी DDSC का उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन एक मीटिंग भी रखा हुआ है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह का जब यहाँ से DC लोग करता है तो DDSC करता है, बहुत रुकावट आता है, आदमी लोग जाता है नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे टीम अपाचू हम लोग DDSC को ये बार हम लोग ये बोला है कि आप सिर्फ ऑर्डर निकाल के देखो ना, जाना नहीं जाना देन उसका लिए हम लोग उसको इन्फोर्स करेगा, क्या करना नहीं करना है उसको हम लोग एज पर द लॉ हम लोग उसके लिए काम करेगा। फॉर देट हम लोग अभी हम लोग का जितना भी जो अभी जो नया विधायक जो आया है DC DDSC और हम लोग का एक टीम पाबुम पारे हम लोग मिलकर काम करने का, इसलिए हम लोग ये काम करेगा बोल के हम लोग ये एक तारीख को एक जॉइंटली मीटिंग रखा। सर बाउंड्री इशू को भी लेकर आज आप लोगों ने बात किया है, तो अभी जैसे आपको पता है कमीन में बाउंड्री इशू का भी चल रहा है, क्या 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 कहना है उसमें सर आप लोग? देखो उसमें एक क्लियर कट है, ये बीच में आदमी लोग बहुत कमिटी बना के भी है, कोई कमिटी बनाया है, हम तो इनफैक्ट हम तो सच को बताएगा कि हम लोग अपाचू तो पहले से लगा हुआ है बाउंड्री इशू कहाँ का घटना हुआ है, वी आर ऑलवेज एक पब्लिक का साथ में, और रिसेंटली का जो रिसेंट डेवलपमेंट का बात बोले जैसे कि एक नामसाई एकर्ट का हिसाब से हम लोग तो और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का हिसाब से एक हम लोग स्टेटस को भी मेंटेन कर देना है, और हम ये पब्लिक को अपील करेगा जी स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है तारासो से लेके किमिन का कोई जो भी बैठने वाले को ये एक अपील रहेगा कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इससे अवेटेड है कि गवर्नमेंट बोला पहले 6 महीने में सेटल करेगा ओके, देन इलेक्शन आ गया तो अभी पेमा सरकार फिर नया आ गया शायद अंडर हिज लीडरशिप, उसका जो लीडरशिप का अंदर में ये नमसा एकड़ जो हो पाया तो शायद कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट में तो ये बॉर्डर का सेटलमेंट हो गया, और हाइस्ट जो इफेक्टेड जो पाबुम पारे है तो हम लोग आदमी पेशेंटली उसको वेट करना है और आपका जो एक जो स्टेटस को मेंटेन करना है,
रिसेंट का रिसेंटली में जो इंसिडेंट था हम लोग को बहुत काफी फोन सोन आया तो बताया, ब्रीफिंग भी किया, देन हम लोग भी फील किया. ऑफकोर्स देयर इज सम लूप होल्स है, हम लोग का तरफ लोकल का भी है, तो इसलिए हम एक आपका मीडिया का तौर से हम जस्ट आई वॉन्ट टू अपील द इंटायर पब्लिक, जितना भी जो पब्लिक है जो बॉर्डर एरिया में स्पेशल रहता है, आप लोग थोड़ा पेशेंटली वेट करो, गवर्नमेंट का डिसीजन आने दो, फिर से हम लोग एक ग्राउंड में विजिट करके ग्राउंड में एक रियलिटीली हम लोग जाके हम लोग ये चीज को मुद्दा को सेटल करने का हम लोग एक डिस्कशन है. एंड आई होप दैट विद इन वेरी फ्यू मतलब कुछ मंथ्स का बाद में ये बॉर्डर इश्यू भी सेटल होना चाहिए अंडर द लीडर्स ऑफ पेमा कंपनी, वही विश करता है. जी ओके.